सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो दुनिया चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नो दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, अगर आपके पास नॉर्मल होम थिएटर है या फिर नॉर्मल टीवी है, कैसे आप अपना नॉर्मल होम थिएटर नॉर्मल टीवी को डॉल्बी डिजिटल साउंड 5.1 सराउंडिंग साउंड के साथ कैसे बदल सकते हैं। आज मैं एक डिवाइस को लेकर आया हूँ जिसके लगाने से आप बहुत ही आसान तरीके से 5.1 डॉल्बी सराउंडिंग साउंड कर सकते हैं आपका होम थिएटर को। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, और इसका नाम है 5.1 गियर ऑडियो गियर बॉक्स। तो चलिए दोस्तों इसको अनबॉक्सिंग हम रिव्यू करते हैं। तो मैंने अली एक्सप्रेस से इंटरनेशनल शिपिंग किया था, तो इसको खोल के देख लेते हैं किस तरह का है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल भी फ्री है और आगे चल के आप लोगों का इसी तरह का टिप्स ट्रिक्स मिलते रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने अली एक्सप्रेस से लिया था, ऑनलाइन शॉपिंग करके इंटरनेशनल एक्सपोर्ट किया था इसको। तो इसका बॉक्स कुछ इस तरह से पैकिंग होके आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ये मेरा एड्रेस है और ये कहाँ से आ चुका है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन इसका यहाँ पे दे चुका है। तो इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है 1100 रुपये का है, जो आपको इंडियन मार्केट में 3500 के ऊपर मिल जाएगा और इंटरनेशनल में 1100 या फिर 1000 के आसपास इसको मिल जाएगा। इसका बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी है। और चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं खोल के। इसका पीछे कुछ इस तरह से है, इसको खोल लेते हैं और बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये इसका चार्जर दिया गया, इंडियन वर्सन का चार्जर है, तो इसको भी खोल के देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल बेसिक सा इंडियन वर्सन चार्जर, ठीक है। तो इसको साइड में रखते हैं और बॉक्स में क्या क्या कंटेंट मिलता है देखिए। दोस्तों ये दिया गया है जो SPDIF ऑडियो होता है, ऑप्टिकल इनपुट जो होता है SPDIF आउटपुट, इसका कॉर्ड दिया गया ये यहाँ पे आपका लेज़र जो रे है, ऑप्टिकल रे है, वो यहाँ से आएगा, ठीक है। और इस तरह इसका पोर्ट दिया गया है, SPDIF कॉर्ड है ये, ठीक है। ये अगर इंडियन वर्सन में लेना चाहते हैं तो इंडिया में तो इसको अलग से ख़रीदना पड़ता है, पर ये मेरे को बॉक्स में ही आया है। और देख लेते हैं मेन जो है, देखिए वो इसका लुकिंग कुछ इस तरह से, इसको भी खोल के देख लेते हैं। और बॉक्स में जो आफ्टर सेल्फ सर्विस वारंटी कार्ड दिया गया है ये, इसको साइड में रखते हैं और इसको खोल लेते हैं। और यहाँ पे यूज़र मैनुअल दिया गया है, वो भी पूरा चाइनीज़ में ही है, ठीक है। किस तरह से यूज करना है सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, टोटल चाइनीज़ में ही है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं इसका लुकिंग किस तरह से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉल्बी डिजिटल प्रोलॉजिक 2 इससे करके है इसका, आप डॉल्बी साउंड इससे मिलेगा। और ये होम थिएटर का आउटपुट है, फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट, यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट साइड स्पीकर और सराउंडिंग स्पीकर, सराउंडिंग राइट स्पीकर, और यहाँ इसका सेंटर स्पीकर और सबवूफर के लिए पोर्ट दिया गया है। और इनपुट क्या क्या मिल जाता है इस तरफ देखते हैं, और यहाँ पर जो पावर बटन पावर प्लग है DC 5 वोल्ट का वो दिया गया है। और यहाँ पे इनपुट, अब यहाँ पे एक इनपुट है SPDIF ऑप्टिकल इनपुट, ये भी SPDIF ऑप्टिकल इनपुट 2 दिया गया है। और यहाँ पे एक ऑक्सिलरी इनपुट दिया गया है, मतलब आपका जो सिंगल ऑडियो है उसमें, और अगर मोबाइल से चलाना चाहते हैं ऑक्सिलरी इनपुट भी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे लाइट दिया गया है, कौन से पोर्ट में अगर क्या लगा रखा है उसको इंडिकेट करने के लिए। यहाँ इनपुट मतलब इसमें अगर SPDIF 1 पे आप ये जो पोर्ट है आप लगाएंगे तो ऑप्टिकल पोर्ट, ठीक है, तो input 1 में है ये, तो आपको एक बार प्रेस करना पड़ेगा। 2 में अगर लगाएंगे तो 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, तो ये 2 वाला लाइट जलेगा, ये पावर के लिए जब लगा देंगे तो हर बार रेड लाइट ही जलता रहेगा अगर पावर पोर्ट के लिए। और थर्ड में एक ऑक्सिलरी के लिए है, और ऑक्सिलरी पोर्ट के लिए जो मोबाइल से 3.5 mm जाके होता है, इसमें अगर सब लाइट बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर प्रेस करेंगे तो तब इसमें से आपको इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी इनपुट का पोर्ट है। और यहाँ पर आपको अगर आपका होम थिएटर 5.1 को सपोर्ट नहीं करता है तो ये आप 2.1 के लिए है, 2.1 अगर एक बार प्रेस करेंगे तो 2.1 से 5.1 में चला जाएंगे, ठीक है। तो इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। मैं इसका पीछे कुछ इस तरह से लुकिंग है, यहाँ पर डॉल्बी लिखा गया है, HD ऑडियो,
ठीक है। तो इसका मैं लगा के आप लोगों को दिखा दूंगा इसका साउंड किस तरह से, बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों टीवी के साथ मॉनिटर के साथ इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं किस तरह का इसका आउटपुट मिलता है। ठीक है तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मैंने पूरा इसको फिटिंग कर दिया, टीवी के साथ भी लगा भी दिया और किस तरह से किया दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से कुछ सेटिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे जो HD ऑडियो रास दिखा रहा है, और नीचे मैंने इसका होम थिएटर का आउटपुट लगा दिया, और ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऊपर में मैंने यहाँ पे जो रेड लाइट जल रहा है और मतलब इसका पावर भी आ चुका है, और यहाँ पे जो और एक ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक ग्रीन लाइट जल रहा है। तो यहाँ पे मैंने अगर प्रेस करूँ तो ये जो इनपुट लिखा हुआ है यहाँ पे जो इनपुट लिखा हुआ है इसमें अगर प्रेस करूँ तो और नेक्स्ट SPDI पोर्ट में चला गया, और दूसरे वाला पोर्ट में मतलब अगर इसमें कुछ लगाऊँ तो, और नेक्स्ट में मैं बोला था एक बार प्रेस करूँ सब बंद हो जाएगा तो उसमें चला जाएगा। ठीक है, और ये मैंने इसका ऑप्टिकल पोर्ट है, इसका ऑप्टिकल पोर्ट जो आपने देखा था वीडियो में वो लगा दिया। देखिए इसमें से जो SPDI जो पोर्ट है, ऑप्टिकल पोर्ट है, ऑप्टिकल रे आ रहा है इसमें से, आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने मेरा जो सेटअप बॉक्स है उसके पीछे इसका लगा दिया SPDI पोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं HDMI पोर्ट और उसके बाद SPDI पोर्ट जो ए वाला होता है SPDI पोर्ट इसमें लगाया HDMI पोर्ट के बाद। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको चला के साउंड तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं इसमें बहुत ही अच्छा डॉल्बी डिजिटल 5.0 सराउंडिंग साउंड मेरे को मिल रहा है अभी, और इसका मैंने आउटपुट दे दिया होम थिएटर के साथ। ठीक है, तो ये मेरा होम थिएटर है, तो यहाँ पे पीछे पे इसको मैंने लगा दिया जो 5-in-1 होम थिएटर है, तो FND का ये मेरा होम थिएटर है, तो इसके साथ मैंने लगा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से इसका पूरा कनेक्शन कर दिया मैंने, और बहुत ही इसका साउंड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छा इसका साउंड क्वालिटी है। आप वहाँ पे साउंड तो नहीं सुन सकते पर इसका जो क्वालिटी मेरे को मिल रहा है बहुत ही अच्छा इसका साउंड क्वालिटी मिल रहा है HD ऑडियो के साथ डॉल्बी सराउंडिंग साउंड। तो उम्मीद है आप लोगों का आज का जो मेरा वीडियो था अच्छा लगा होगा। हाँ दोस्तों, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक से इसका बाइंग लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसका परचेस भी कर सकते हैं। अगर सेटिंग के कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को जरूर बताना, मैं आप लोगों के लिए मैं हेल्प कर दूंगा सेटिंग करने के में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, बाय।